हेलो फ्रेंड्स, नगरवाल ग्रुप ट्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 में गुणनखंड की अंतिम रीति है दोस्तों, रीति नंबर 5। यह रीति चौथी और पांचवी रीति सबसे ज़्यादा आईएमपी है। बिल्कुल आपको कल कहा था मैंने, आपको इसमें बहुत ध्यान लगाना है और बिल्कुल सीखना है। दोस्तों, हमने पहली रीति सीखी थी, याद दिला दो आपको एक बार। दो वर्गों के बीच में ऋण हो तो एक बार आ, एक बार जा। फिर हमने सीखा होल स्क्वायर खोलने का सूत्र, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दो लिखकर पहले दूसरी। फिर दोस्तों हमने तीसरी रीति सीखी, यदि बहुपदी में चार पद हो तो दो दो की जोड़ी बनाते हैं। चौथी रीति हमने सीखी, यदि बहुपदी में तीन पद हों तो पहाड़े वाली रीति। आज ये पांचवी रीति, ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ज़रूर से सीखें दोस्तों। आपको मान लीजिए दिया गया है 5x का वर्ग माइनस 13x प्लस का 6। दोस्तों आज बहुपदी में फिर से तीन पद हैं, फिर से पहाड़े वाली रीति बोलेंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 6 के पद और जोड़ने पर 13 है। नहीं दोस्तों, कल के सवाल और आज के सवाल के अंदर आप अंतर देखिए। कल के सवाल में x वर्ग के आगे कोई संख्या नहीं थी, आज x वर्ग के आगे संख्या है। फिर से एक बार से बोल रहा हूँ, कल तक जो रीति सीखी थी रीति नंबर 4, उसमें x वर्ग के आगे कोई संख्या नहीं थी। अगर x वर्ग के आगे संख्या हो तो रीति तो पहाड़े वाली है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। अगर दोस्तों एक्स वर्ग के आगे संख्या हो तो पहले इन दोनों संख्याओं का मन ही मन गुणा कर लें। 6 × 5 = 30। 30 के पाड़ों घटाने पर तीस के पाड़ों जोड़ने पर 13 आ गए। या छिल्ले में प्लस लिखा है तो जोड़ने पर आना चाहिए, माइनस लिखा होता तो घटाने पर आता। तो 6 × 5 = 30, 30 के पाड़ों जोड़ने पर 13 है, 10 × 3 = 30। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 13 आ चुका है जोड़ने पर, बीच में माइनस है या माइनस लगाया। 10 और 3 को जोड़ने पर 13 है कि घटाने पर, जोड़ने पर आया दोस्तों, समान चिन्ह हमारा नियम है वही। अब दोस्तों कल तक हम क्या करते थे, शॉर्टकट लगाते थे। शॉर्टकट यानी क्या थी बड़ा, तो उसके अंदर हम आप XX लिख देते थे, उत्तर हो जाता था। लेकिन अगर एक्स वर्ग के आगे संख्या हो तो कभी भी हम शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, हम शॉर्टकट के बदले बोलेंगे लॉन्ग कट लगेगी। याद रखिए, शॉर्टकट कब, लॉन्ग कट कब। अगर एक्स वर्ग के आगे संख्या न हो तो शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर लिखते थे, पर अगर एक्स वर्ग के आगे संख्या है तो ये लॉन्ग कट विधि। तो लॉन्ग कट विधि में दोस्तों पहली और छली संख्या को कुछ नहीं करना है। 5x का वर्ग माइनस, पहली वही की वही, इसको लिख दें यहाँ पर माइनस का 10x, फिर इसको लिखा माइनस का 3x और प्लस का 6। दोस्तों ये लॉन्ग कट है, अब फिर से इसमें चार पद हो गए, दो दो की जोड़ी, ये दो अलग ये दो अलग। मैंने कॉमन निकाला दोस्तों, इसके अंदर 5x कॉमन आया, बचा x माइनस 2। माइनस 3 कॉमन आया, x माइनस 2। दोस्तों देख सकता हूँ मैं दोनों में क्या आ चुका है कॉमन, x माइनस 2 और क्या बचा मेरे पास, 5x माइनस 3। दोस्तों इसमें आप डायरेक्ट अगर आंसर लिखते मान लीजिए तो आपका उत्तर आ जाता x माइनस 10 और x माइनस 3, जो कि गलत उत्तर होता। इसलिए दोस्तों शॉर्टकट कब, लॉन्ग कट कब, ये बहुत याद रखें। x वर्ग के आगे संख्या है तो लॉन्ग कट लगानी है, संख्या नहीं होती तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं। और देख रहे हैं दोस्तों, किसी ने कहा 6x का वर्ग प्लस 13x प्लस का 6। एक्स वर्ग के आगे फिर संख्या है तो पहले इन दोनों का गुणा कर ले, पहली छिल्ली का 6 × 6 = 36। 36 के पाड़ों जोड़ने पर 13 आवे, 9 × 6 = 36। बिल्कुल सही है दोस्तों, 13 आ चुका है, चिन्ह सोचे, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, 9 और 4 को जोड़ने पर 13 आया, घटाने पर, जोड़ने पर आया 13 आया, समान चिन्ह, ऊपर प्लस तो नीचे भी प्लस। शॉर्टकट के लॉन्ग कट, सर लॉन्ग कट क्यों लॉन्ग कट, क्योंकि एक्स वर्ग के आगे संख्या है, जब लॉन्ग कट लगानी है तो पहली और छिल्ली को कुछ नहीं करना है, ये दोनों संख्याएं XX लगा के लिख देनी है। 6x का वर्ग प्लस 9x प्लस 4x प्लस का 6। दोस्तों दो दो की जोड़ी पाड़ी, ये दो अलग ये दो अलग, कौन कॉमन निकाला इन दोनों में, 3x कॉमन आया, बचा मेरा 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस इन दोनों में दोस्तों 2 कॉमन आया, बचा 2 × 2 = 4 2x प्लस 2 × 3 = 6। अगर ये दोनों समान है तो आपका उत्तर एकदम सही है, 2x प्लस 3 और बचा आपके पास 3x प्लस 2। और देखते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल, मान लीजिए आपको दिया 8x का वर्ग माइनस 2x माइनस 3। आपको ये नहीं बोलना है 3 के पाड़ों घटाने पर 2 आए, पहले इन दोनों का गुणा करना है, 8 × 3 = 24। 24 के पाड़ों घटाने पर 2 आए, 6 × 6 = 24। बिल्कुल सही है दोस्तों, 2 आ गया, बीच में चिन्ह है माइनस तो माइनस।
छः और चार को जोड़ने पर दो आया कि घटाने पर दो आया? घटाने पर आया, विरुद्ध चिन्ह आएंगे, नीचे माइनस तो ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। शॉर्ट कट के लॉन्ग कट, लॉन्ग कट दोस्तों पहले छिल्ले को कुछ नहीं करके इन दोनों को एक्स एक्स लगा के लिखेंगे। लिखा है 8x का वर्ग माइनस 6x प्लस 4x माइनस 3। दोस्तों दो दो की जोड़ी पड़ी, ये दो अलग ये दो अलग, इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने 2x आया, 2 चौक 8 माइनस 2 तिया 6 प्लस कुछ कॉमन नहीं, एक कॉमन ले लिया 4x माइनस 3। मेरे पास कॉमन आ चुका है दोस्तों 4x माइनस 3, दोनों में था इसलिए 4x माइनस 3, बाहर क्या बचा 2x प्लस 1। और दोस्तों देखिए इसी तरह का, मान लीजिए आपको दिया 6x का वर्ग माइनस x माइनस 5, 6 × 5 = 30, 30 के पैड़ो घटाने पर एक आवे, 6 × 5 = 30, बिल्कुल सही है दोस्तों, एक आ गया, बीच में चिन्ह है माइनस तो माइनस लगाया, 6 और 5 को जोड़ने पर एक आया, घटाने पर एक आया, घटाने पर आया दोस्तों विरुद्ध चिन्ह, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। शॉर्टकट के लॉन्ग कट, क्योंकि एक्स और के आगे संख्या है सर लॉन्ग कट लगेगी, लॉन्ग कट लगाने के लिए पहले छिल्ले को कुछ नहीं करना है, 6x वर्ग माइनस 6x प्लस का 5x और छिल्ली वही की वही माइनस का 5। दो दो की जोड़ी पड़ी दोस्तों, ये दो अलग ये दो अलग, कॉमन निकाला दोनों में 6x आया, बचा x माइनस 1 प्लस 5 कॉमन आया x माइनस 1, क्योंकि दोनों समान आ चुका है x माइनस 1 और 6x प्लस 5। कभी भी दोस्तों लॉन्ग कट को शॉर्टकट की मेथड से ना करें, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। और देख ले रहे हैं दोस्तों, हमको दिया हो मान लीजिए 8x का वर्ग माइनस 13x प्लस का 5, 8 × 5 = 40, 40 के पाड़ों जुड़ने पर 13 आवे, 8 × 5 = 40, बिल्कुल सही है दोस्तों, 13 आ चुका है, बीच में है माइनस तो माइनस लगाया, जोड़ने पर आया समान चिन्ह, यहाँ भी माइनस, एक्स वर्ग क्या के संख्या है लॉन्ग कट, पहली छिल्ली को कुछ नहीं किया, 8x का वर्ग माइनस 8x माइनस 5x प्लस का 5, कॉमन निकाला दोस्तों दो दो करके, ये दो अलग ये दो अलग, इस तरह से 8x कॉमन आया, बचा x माइनस 1, माइनस 5 कॉमन आया x माइनस 1, आ चुका है दोस्तों x माइनस 1 और 8x माइनस 5। दोस्तों इस रीति के मैंने 5 सवाल किए आपको, आपको इस तरह के 10 सवाल दे रहा हूँ और इसके साथ में अपना गुणनखंड पाठ पूरा कर रहा हूँ। दोस्तों यह पांचों वीडियो में रीति नंबर चौथी और पांचवी बहुत ज़्यादा IMP है, इसको बार बार वीडियो को देखिए और पसंद कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, थैंक यू। और जिन बच्चों ने दोस्तों अभी तक फॉर्म ना भरा हो, फॉर्म भरकर अस्मिता मैडम को पहुँचा दें, अभी फीस नहीं भरनी है, केवल फॉर्म भर के भिजवाना है, जिससे आपके यहाँ संडे के एग्ज़ाम के मार्क्स और SMS आ सके। थैंक यू दोस्तों।